मिठाई में काजू कतली बन जाए तो बात ही कुछ और है। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समय में कम सामग्री में बनाकर तैयार करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। काजू कतली कितना कम 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 सामग्री में और कितना ये आधा किलो के बराबर बन के तैयार है। चलिए स्टार्ट करते हैं काजू कतली बनाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि अल्लाह की दुआ से आप लोग अच्छे ही होंगे। आज यहाँ बनाएंगे एक मीठे का रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये रोस्टेड वाला जो चना उसे लेकर आई हूँ। आप इसे डालेंगे तो ये काजू कतली से कोई कम का टेस्ट में नहीं है रेसिपी, बहुत ही अच्छा रेसिपी है ये। ये इंस्टेंट वाला रेसिपी, नो फेल वाला रेसिपी है। कोई मेहमान वगैरह आ गए तो तुरंत ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ लेंगे काजू, यहाँ से 10 से 12 काजू है। चीनी मैं लूँगी यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम लेंगे, क्योंकि और क्या इसमें डालने वाले हूँ उससे भी आपका थोड़ा सा ये मीठा जो है ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कम ली हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। दूध लेंगे थोड़ा सा मैं ली हूँ, आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसे यूज करेंगे। थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर है, और इसमें क्या डालने वाले हैं आप बाद में शेयर करूँगी, और जिससे हम मावा का फ्लेवर भी इसके अंदर में आ जाएगा। चलिए अब इसे क्या करेंगे, ये रोस्टेड चना का ज़्यादा करके मैं निकाल चुकी हूँ, इसका छिलका कई का रह चुका है, इससे कोई बात नहीं है, बाद में इसे छान लेंगे। अब लेंगे क्या देखते हैं, यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी का जार। पहले क्या करेंगे, चीनी डाल लेंगे, चीनी में डाल लेंगे ये काजू, 12 से 13 काजू है। ये साबुत वाले हम लिए हैं, आप चाहे तो टुकड़े काजू भी ले सकते हैं। इसे साबुत लेने का मतलब ये है कि आपको दिखा सकूं कितना काजू इसमें यूज हुआ है। अब इसमें हरी इलायची का पाउडर, आप चाहे तो साबुत वाला भी हरी इलायची इसके अंदर में डाल सकते हैं। अब इसे फाइन पाउडर बनाकर लेकर आती हूँ। देखिए कितना महीन पिस चुका है, इसके अंदर में काजू जो था वो भी फाइन पाउडर हो चुका है। अलग से काजू को पीसते तो ये उससे तेल निकल जाता है, तो अच्छे से चिकना नहीं हो पाता है। तब इसे रिस्क नहीं लेते हुए इसे अब एक बार छान लेते हैं। अब एक बर्तन ले लिए हैं, अब इसे पाउडर जो है चीनी और काजू वाला मिक्सर को इसे अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से छान लेने से क्या होता है, हमारा मीठे में दरदरापन नहीं रहता है। इसे अच्छे से छान लिए हैं, ये बड़ा बड़ा जो चंक्स रह चुका है अब इसे सेम पॉट में डाल लेंगे। अब इसे फिर से इसे साइड पर रख लेते हैं। इसी पॉट में डाल लेंगे ये रोस्टेड वाला जो चना, इसे भी फाइन पाउडर बनाकर लेकर आती हूँ। ये देखिए ये भी अच्छा महीन हो चुका है। इसके अंदर में जो काजू का जो चंक्स बचा था इसे मैं डाल चुकी थी, तो ये भी अच्छे से पीस के तैयार हो चुका है। अब इसे साइड में रख लेंगे। इसी बर्तन पर फिर से इसे छान लेते हैं। इसका जो छिलका रह चुका था वो भी हट जाएगा, और इसका जो कुछ ज़्यादा चंक्स रहेगा तो ये भी निकल आएगा, तो इसे भी अच्छे से छान लेती हूँ। देखिए ये छिलका अपने आप निकल आया, इसे हटा लेंगे। अब इसमें क्या डालेंगे जो मावा का फ्लेवर आएगा, चलिए अब बताती हूँ। अब इसमें मावा वाला फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर मिल्क पाउडर लेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम, इसीलिए थोड़ा सा चीनी का क्वान्टिटी कम किए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा करके भी बना सकते हैं, ज़्यादा करके आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो उससे ज़्यादा करके भी चीनी ले सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अमूल पाउडर कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, हमने यहाँ पे अमूल ब्रांड का लिए हैं, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर तो इसमें तेल का क्वांटिटी की घी का क्वांटिटी इसमें नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा जो काजू में ही तेल थोड़ा है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी, इसमें 2 चम्मच के करीब घी लेंगे। आप चाहे तो इसमें डालडा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सारी तैयारी पहले से कर लेंगे तो बहुत ही आसानी 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। इस तरह से घी डालकर इसे आप मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका अंदर में घी का क्वांटिटी आ जाएगा तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक डो बनाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक डो बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से इसे तो कोई भी खाकर इसे बता नहीं पाएगा कि ये काजू कतली में रोस्टेड चना मिला हुआ है। अगर इसमें आप
मूँगफली डालते हैं तो मूँगफली का फ्लेवर तो इसके अंदर फिर भी आ जाता है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हमने इसमें काजू भी यूज किए हैं। ये बहुत ही टेस्टी वाली मिठाई है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को कुछ लाइक करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए जो कोई मेरा वीडियो देख रहा है, थैंक यू, थैंक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक डो बना लेते हैं। देखिए डो के फॉर्म में आ चुका है, इस तरह का हमें चाहिए। अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब इसे क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर लेकर आए हैं आई हूँ, आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसमें तेल थोड़ा लगा दूँगी, सॉरी तेल नहीं, मैं घी इसमें इसका ऊपर में लगाई हूँ। आप चाहे इस बिल्कुल भी तेल इसमें ऐड ना करें। अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से फैला लेंगे, चाहे तो थोड़ा सा बेल भी लें। कितना थिकनेस रहना चाहिए बोलूँगी आपको, सारे डिटेल्स में बताऊँगी। इस तरह का बेल लिए हैं, इसका जो साइड वाला पार्ट है इसे हटाएंगे स्क्वायर शेप देने के लिए। इसे निकाल कर क्या करती हूँ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सब निकालेंगे, नीचे वाला जो है इसे भी हटा लेंगे। इसे जो साइड से निकाल लिए थे इस तरह से इसे मिक्स करके इसके साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये स्क्वायर शेप में हो चुका है, इतना सा हमें थिकनेस चाहिए। पास से दिखाती हूँ। अब इसे क्या करेंगे, इसका ऊपर में कोई भी ट्राइपॉड या चांदी का वर्क से इसे सजा लें। चांदी का वर्क लगा लेंगे, इसे चांदी का वर्क से अच्छे से सजा चुकी हूँ। अब इसे क्या करेंगे, फ्रिज में एक घंटे के लिए रख लेंगे। ये सेट हो जाएगा तब इसे कट करेंगे, शार्प नाइफ से इसे कट करें। चलिए अब एक घंटे के बाद मिलती हूँ। अब ये फ्रिज में रखे हुए एक घंटा हो चुका है, शार्प चाकू लेंगे और इसे बर्फ़ी का शेप देंगे। इस तरह से कट करेंगे, जैसे इसे कतली का शेप दिए हैं। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। इसे बिना शेप वाला जो है इसे पहले हटा लेंगे, उसके बाद जो शेप वाला है उसे प्लेट पर सजाकर परोसने के लिए तैयार है। ये देखिए काजू कतली है ना, आसान सी रेसिपी, कितना मज़ेदार वाला ये रेसिपी है। अब इसे प्लेट पर सजा लेते हैं। ये परोसने के लिए तैयार है। अब देखिए इसका थिकनेस इतना सा होना चाहिए और ये हमारा कतली बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। 5 मिनट में इसे पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो ये 5 मिनट में बनके परफेक्ट तैयार, बिना गैस जलाए हुए ये मिठाई बनके तैयार है। राखी के लिए बहुत ही मिठाई का वीडियो मैं देख चुकी हूँ। मैं पहले से सोच रही थी मैं राखी के लिए मिठाई बनाऊँ, तभी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था तो इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे आप भी इसे जरूर ट्राई करें, ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। अब ये इस तरह से बनाकर तैयार कर लें, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, खाएं पिएं एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।